समाजवादी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता कंचन फौजिया, उनके बेटे जो कैंसर से पीड़ित थे उनका देहांत हुआ, उस परिवार से मैं आया हूँ। परिवार में दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग उनका दुख बांटते हैं। इस परिवार पर कई बार इस तरह का संकट आया, पहले इनका बड़ा बेटा, फिर एक दूसरा बेटा, और उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अब इनके परिवार पर। और कैंसर जैसी बीमारी जिसका लगातार इलाज हो तभी कैंसर से बचा जा सकता है और उम्र बढ़ सकती है। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय आंकड़े जब निकाले गए और आज जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, लगातार दिल की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और इधर कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जहां शहरों में दिखाई दे रही बीमारी, वहीं गांवों में भी कई लोग हैं, कई परिवारों के सदस्य हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी से, और कैंसर बीमारी होने की वजह से वो इलाज भी नहीं करा पा रहे। इसलिए समाजवादी सरकार ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया था कि गरीबों की सेवा हो सके, मदद हो सके, उन्हें बड़े बड़े शहरों में न जाना पड़े, इलाज के लिए उन्हें खर्च ना करना पड़े। और उसी समय समाजवादी सरकार में भी तिरवा में, कन्नौज में एक कैंसर इलाज के लिए अस्पताल बनवाया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बना था, न केवल कंचन कजौलिया के परिवार के, उनके बेटे का, बल्कि और आसपास के लोगों की। ये अस्पताल मदद करता, ये कैंसर इंस्टीट्यूट मदद करता। यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बिल्डिंग खड़ी है वैसी की वैसी, नाम लिखा है कार्डियोलॉजी, मशीनें हैं, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं शुरू कर पाए। मेडिकल कॉलेज जितना था वैसे ही है, कोई बजट नहीं। चिल्लाने को तो बीजेपी चिल्लाती है, दिल्ली से लेकर लखनऊ उनके बड़े बड़े नेता चिल्लाते हैं कि उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी। आप ये बताइए, जब मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं देंगे, आपके चिल्लाने से बजट थोड़ी आ जाएगा। ये सरकार बजट नहीं दे रही, और बजट नहीं देगी तो न दवाई मिलेगी न इलाज मिलेगा। आखिरकार ये सरकार पैसा ले कहाँ जा रही है? राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना। ये गर्व है, ये खुशी है, लेकिन सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है, कार्यकाल था, अब अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं, इनका कार्यकाल भी देखेंगे। लेकिन जहां बीजेपी होगी, बीजेपी किसी को बोलने नहीं देगी। आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी, जो दल हैं, अभी जो दल बचे हुए हैं देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान है, बेरोजगार बाप हैं, अब तो कुआरे लोग हैं जिनके नौकरी नहीं मिलेगी, जान चली जाएगी। नौकरी की सवाल है, महंगाई सवाल है, खेती बाड़ी में कुछ मिल नहीं रहा, 2000 रुपए में किसान को खुश कर रहे हैं, खाद DAP कितनी महंगी, डीजल पेट्रोल कितना महंगा, और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि रुपया और डॉलर का संतुलन क्या है, डॉलर कहाँ पहुंच रहा है, रुपया कहाँ नीचे से गिर रहा है, और वो भाषण सुनिए, वो तो सोशल मीडिया में भाषण चल रहा है बीजेपी के बड़े नेता का, कि डॉलर और रुपये के बारे में क्या कहते थे वो, और रुपया कहाँ है, किसको मुनाफा पहुँचा रहे हैं? कुछ उद्योगपतियों को केवल मुनाफा पहुंचाने के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। न नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तहसील पता करिए, थाने पता करिए, कितना पैसा वसूला जा रहा है।